हे एवरीवन, दिस इज लखन और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे हाउ टू बिकम ए फिजिशियन असिस्टेंट, यानी कि आप फिजिशियन असिस्टेंट चिकित्सक सहायक कैसे बन सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी, सो लाइक और सब्सक्राइब को मारो गोली, लेकिन वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जैसे ये सारी अपडेट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, फिजिशियन असिस्टेंट या चिकित्सक सहायक क्या होता है? दोस्तों, नाम से आपको पता चल गया होगा कि डॉक्टर की हेल्प करने वाला, उसके जो कार्य है उसमें हेल्प करने वाला बंदा चिकित्सक सहायक या फिजिशियन असिस्टेंट होता है। इसके अंदर जो भी पेशेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे इसको छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका नॉलेज रखने का कार्य भी फिजिशियन असिस्टेंट का होता है, ठीक है। और जब डॉक्टर मौजूद नहीं होता है तो फर्स्ट एड का कार्य करने का भी नॉलेज फिजिशियन असिस्टेंट को होता है और वही ये काम करता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिशियन असिस्टेंट का क्या काम होता है और फिजिशियन असिस्टेंट कौन होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि आप एक फिजिशियन असिस्टेंट कैसे बन सकते हो। दोस्तों, इसके लिए आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसमें? BSc इन फिजिशियन असिस्टेंट, यानी कि फिजिशियन असिस्टेंट के लिए BSc का कोर्स होता है, वो आपके कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। अब इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए? तो आपको 12th क्लियर होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। यानी साइंस स्ट्रीम लेनी है आपको और बायोलॉजी साइंस बायो आपको ली हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आपने 12th पास आउट किया, आपकी 50% से अबो परसेंटेज है, तो आप BSc इन फिजिशियन असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, कहीं कहीं मेरिट के बेसिस पे भी एडमिशन मिलता है, ठीक है। जैसे ही आपने BSc इन फिजिशियन असिस्टेंट के लिए एडमिशन ले लिया, तो आपको 3 साल तक वहाँ पर अच्छे से स्टडी करनी है, और जैसे ही आपकी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में आप कहीं भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी फिजिशियन असिस्टेंट का काम कर सकते हैं। और अगर आपके स्टेट के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी निकली होती है तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके जो एग्ज़ाम होते हैं उसको फाइट करके आप फिजिशियन असिस्टेंट बन सकते हो। ये पूरा प्रोसेस रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी कोई छोटा मोटा डाउट रह गया, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम चैनल के लिंक है, जाके फॉलो करके मैसेज डाल देना, आपका भाई आपको वहाँ पर इंस्टेंट रिप्लाई दे देगा। इसके अलावा दोस्तों, छोटी सी गुजारिश है, बहुत सारे बच्चे इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से पीछे रह जाते हैं, तो उन बच्चों की हेल्प के लिए आप इस वीडियो को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें, जिससे बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो सके। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल के वीडियो को शेयर करूँ, आप जो भी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है उनको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें। तो दोस्त, मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।